एक भारत सरकार किस वर्ष से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। आपके ऑप्शन है ए 2023, बी 2025, सी 2028, डी 2030। सही उत्तर है 2023। दो, किसने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है। आपके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी योगी आदित्यनाथ, डी नरेंद्र मोदी। सही उत्तर है राजनाथ सिंह। तीन, भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए अनिल अंबानी, बी गौतम अदानी, सी मुकेश अंबानी, डी रतन टाटा। सही उत्तर है रतन टाटा। चार, हाल ही में किस राज्य ने 2% आरक्षण खिलाड़ियों को देने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। सही उत्तर है कर्नाटक। पाँच, विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी फ्रांस, सी रूस, डी केन्या। सही उत्तर है केन्या। छह, हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ है। आपके ऑप्शन है ए चिली, बी थाई, सी संगरूर, डी सिंगापुर। सही उत्तर है संगरूर। साथ, IFFM 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शन है ए रणवीर सिंह, बी सलमान खान, सी शाहरुख खान, डी आमिर खान। सही उत्तर है रणवीर सिंह। आठ, किस राज्य सरकार ने स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपके ऑप्शन है ए आसाम, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है उत्तराखंड। नौ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले क्रिकेटर केविन ओब्रायन किस देश के खिलाड़ी है। आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी पाकिस्तान, सी आयरलैंड, डी अफगानिस्तान। सही उत्तर है आयरलैंड। दस, संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक भारत और थाईलैंड के बीच कहां आयोजित हुई है। आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी बैंकॉक, सी थाईलैंड, डी मैक्सिको। सही उत्तर है बैंकॉक।